हाय फ्रेंड, कैसे हो? आज हम दहबारे चाट बनाने का तरीका बताएंगे। होली के स्पेशल चाट बनने वाली बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे ही बना सकते हो। बाजार जैसे दहबारे चाट खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब हम बनाने का प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले दहबारे चाट बनाने के लिए 500 ग्राम उड़द के दाल 7-8 घंटे पानी में भिंगो कर ले लें। इसे अच्छी तरीके से धो करके ले लें, पानी से छान लें। सभी को हमने पानी से छान ली है। अब एक मिक्सर जार में डालकर इसे सूजी जैसे दरदरा पेस्ट बनाएंगे। मैदे के जैसे नहीं बनाना है, नहीं तो दहबारे अच्छे नहीं बनेंगे। सभी को मिक्सी जार में डालकर एक गिलास पानी डाल दें। उसके बाद कवर लगा के इसका पेस्ट बना लें। सभी को हमने पेस्ट बना ली है, अब वीडियो के अनुसार देख सकते हो। अब पेस्ट बन गई है। अब एक बल्ब में सभी को निकाल लेंगे। सभी पेस्ट को निकाल ली है। अब इसे अच्छी तरीके से चम्मच से या आप हाथ के सहायता से एक साइड ही फेटें। तब तक फेटें जब तक दहबारे का पेस्ट हल्का ना हो जाए और कलर ना चेंज हो जाए। अब पूरे अच्छी तरीके से 10 मिनट तक फेट ली है। अब ठंडे पानी में एक बल्ब में कटोरी में डालकर बारे को देख लेंगे। बारे हल्के हो गए हैं, पानी पे तैरने लगे हैं। इसी से समझ जाइए कि बेटर अच्छी तरीके से फेटा गई है। अब 2 चम्मच भिंगोए हुए उड़द के दाल हमने पहले ही रख ली थी, अदरक हरी मिर्च और 1 छोटे चम्मच नमक बारे के पेस्ट में डाल देंगे ताकि बड़े खाने में स्वादिष्ट लगे। और इसे भी मिक्स कर देंगे। 5 मिनट के लिए हमने मिक्स कर ली है। अब बेटर को एक बार चेक करें, हाथ से कहीं से भी नहीं गिर रही है। अब एक कढ़ाई को हाई गरम कर लेंगे। इसमें 1/2 लीटर रिफाइंड तेल डालकर हाई गरम कर लेंगे और सभी बड़े को पानी में हाथ भिंगो कर बड़े को लेकर एक एक बड़े डालते जाएं। फिर आँच को मीडियम कर दें। एक साइड से हम मीडियम फ्लेम पे ही 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद सभी को पलट देंगे। सभी को हमने पलट दी है। अब सुनहरे होने तक एक साइड से फिर से 4 मिनट के लिए सेक ली है। अब दही बड़े सुनहरे हो गई है। एक छलनी की मदद से एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही छान लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सभी को छान ली है। अब फिर से हाई गरम तेल को कर लेंगे, आँच मीडियम कर देंगे और बची हुई बड़े को भी इसी तरह से डालते जाएंगे। आँच को मीडियम कर दें ताकि पूरी अंदर तक सिके, हाई फ्लेम पे नहीं सिकना, नहीं तो अंदर कच्चा सा रह जाएगा और ऊपर से सिक जाएगी। फिर से इसे पलट देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही 10 मिनट तक सेक लें और सभी बड़े को इसी तरह से हमने सेक कर निकाल ली है। सभी बड़े हो गई है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से बड़े फूल गई है। बड़े को डालने के लिए 2 बड़े गिलास पानी डालेंगे। आप अपने बड़े के अनुसार डालें और इसे गुनगुना कर लेंगे। गुनगुना कर लिए इतना कि उंगली आप डाल सके। इसमें 1 छोटे चम्मच नमक और 1 पिंच हींग डालकर 5 मिनट तक मिक्स कर लें। सभी मिक्स हो गई है। सभी बड़े को डाल देंगे और 3 घंटे तक भिंगोने के लिए इसे छोड़ देंगे। अब भींग गई है। अब 1 बड़े कप दही फ्रेश ले ली है। इसमें काली नमक और 1 चम्मच चीनी डालकर 5 मिनट तक मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। ताजी दही है। इसे मिक्स करने के लिए सेवई, काली मिर्च पाउडर, धनिया, 2 सूखी मिर्च को रोस्ट कर लें, जीरा पाउडर, हरी धनिया, टमाटो चटनी, खट्टी मीठी, चाट मसाला, अनार के दाने ले लें। दहबारे वाले डालने वाले मसाले को रोस्ट कर लें। उसके बाद ही दरदरा सा
पाउडर बना लें। अब सब दही बड़े को निचोड़ लेंगे, हल्का पानी ही निचोड़ें। उसके बाद एक प्लेट में रखें, ज़्यादा पानी दही बड़े का नहीं निकालें, नहीं तो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगी। सभी को एक प्लेट में हमने डाल दी है। अब गार्निशिंग के लिए हम इसमें दही डालेंगे सभी के ऊपर। सभी के ऊपर हमने दही डाल दी है, हरी धनिया चटनी, खट्टी मीठी चटनी एक चम्मच, जीरा पाउडर, भुने हुए जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काली नमक, अनारदाने, सेवई और धनिया के पत्ती। आप जीरा और काली मिर्च को रोस्ट कर लें, उसके बाद पाउडर बना लें, उसके बाद ही डालें। अब दही बड़ा चाट बनके तैयार हो गई है। दही बड़ा चाट बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।